और उसके बाद वो 4 नंबर वाले पेशेंट को देखना और उसको दवा दे देना। हाँ जी, ये जो आपने दवाइयाँ लिख कर दी हैं ये यहाँ डिस्पेंसरी में नहीं मिल रही हैं? अजी, केमिस्ट की दुकान यहाँ से बहुत दूर नहीं है, आप गेट से राइट टर्न जाओगे ना वहाँ पे केमिस्ट की दुकान है, वहाँ से ले आइए। ओके ठीक है, चलो। मामा, तुमने और तुम्हारे बेटे ने मिलकर राधा पर बहुत सुलटा है। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि इतना तड़पाऊंगा कि तुम्हें राधा पर ढाया एक एक जुल्म याद आएगा। क्या बिगड़ लोगे तुम? शुरुआत तो हो चुकी है मामा, तुम्हारा बेटा हवालात पहुंच चुका है, अब मैं तुम्हें भी वहीं पहुंचाऊंगा। इतना वो तो चल, उसके जमानत की एप्लीकेशन मैंने देखी। तुम्हारे बेटे ने जो जुर्म किया है ना उसके लिए उसकी जमानत नहीं होगी। कानून की 2 किताबें क्या पढ़ ली, इसे लगता है तो जज हो गया? क्यों है? मैं जज नहीं बना हूं मामा, लेकिन इतना अच्छी तरह से समझता हूं कि शराफत कहां खत्म होती है और बेहयाई कहां शुरू होती है। और तुम एक ऐसे बेहया इंसान हो तो जुर्म करके भी सजा पाकर भी सर उठाकर चलने की हिम्मत रखता है। अब तुम कौन से शराफत के पुतले हो है? और किस शरीफ बाप के बेटे हो जिसने जिंदगी में 2 औरतें? खबरदार मामा, अगर मेरे बाप के बारे में कुछ कहा। मोहन, मत करो ऐसा। कहाँ जा रहे हो? मैं राधा के लिए दवाइयां लेने जा रहा हूं। दवाइयां मैं ले आऊंगा, पहले तुम घर जाओ, माँ जी ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है, तुम ले आना। बेटी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? लाला जी, मैं समझ सकता हूं कि अपनी बेटी की हालत देख के तुम्हें कितना दुख हुआ हो। अपनी बेटी की ये हालत बनाने वालों से तुम्हें कितनी नफरत होगी। ये भी समझता हूं कि माफी मांगने के मैं तो काबिल ही नहीं, फिर भी मैं तुमसे और राधा बेटे से माफी मांगता हूं। मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि पुलिस ने धनराज को अरेस्ट किया। अगर मुझे इस बात का अफसोस है तो सिर्फ एक ही बात का अफसोस है कि पुलिस ने मुझे क्यों नहीं अरेस्ट किया, क्योंकि मैं तो कसूरवार हूं। मैं दोबारा तुमसे और तुम्हारी बेटी से माफी चाहता हूं। मैं कौन होता हूं आपको माफ करने वाला? पृथ्वी जी, मेरी बेटी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती है, मुझे बाप कहकर पुकारने पर राजी नहीं है। नहीं लाला जी, अगर वो हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती है, हमें माफ भी नहीं करना चाहती, तो वो जायज है, क्योंकि हम तो इसके काबिल है ही नहीं। से अकेले में बात करना चाहता हूं, आप लोग थोड़ी देर के लिए। लाला जी, आपको अगर एतराज ना हो तो क्या मैं आपकी बेटी के साथ कुछ अकेले में बात कर सकता हूं?